साथियों, आज क्यूब बनाते हैं हम लोग। क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले हमें 6 आयताकार पेपर की ज़रूरत पड़ेगी और जितना बड़ा क्यूब बनाना है, चौड़ाई जितनी हो उसकी डबल लंबाई लेंगे आयताकार क्यूब की। जैसे हमें 9 सेमी का बनाना है तो हमने 9 चौड़ाई और 18 सेमी लंबाई ले लिया। साथियों, अब इसे आधे पर मोड़ देंगे ऐसे, और आधे पर जहाँ से मोड़ेंगे उसे फिर ऐसे मोड़ देंगे इस तरीके से। अब हमारा ये यू आकार का हो गया। सेम इसी तरीके के हम 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए हैं। अब इनको हम उसी तरीके से मोड़ लेंगे। इसकी लंबाई कम है लेकिन फिर भी हम ऐसे मोड़ेंगे कि वो उतनी लंबाई पर आ जाएगा। ने ये मोड़ लिया हमने, अब ये सारे यू आकार में बन गए हैं। अब हम इस तरीके से इसे मिलाएंगे कि ये एक दूसरे से फंस जाएं। सबसे पहले ऐसे रखेंगे एक, फिर ऐसे। अब इसको ऊपर से मिला दिए ये, ये, लास्ट में ये आ गया। अब इसे इसमें और इसमें मिला देंगे ऐसे। ये हमारा क्यूब हो गया। आपका जब 1:2 का होगा तो ये बहुत बढ़िया कस जाएगा। मेरा छोटा है इसलिए अब हम इसे फंसाने के लिए यहाँ से, जहाँ जहाँ से ज्वाइंट है इसे हम गोंद लगा करके चिपका देंगे। और इस तरीके से हम बच्चों को क्यूब बनाना आसानी से सिखा सकते हैं।